अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और वो भी 10,000 तक की कीमत में, वो भी बेहतर बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस के साथ, तो ये रिपोर्ट खास आपके लिए है। इंटरनेट से लेकर फोटोग्राफी और गेम खेलने तक के लिए आज स्मार्टफोन का यूज किया जाता है। ये हमेशा जरूरी नहीं कि ज्यादा फीचर्स के लिए हमेशा ज्यादा पैसे खर्च ही करने पड़े। कभी कभी कम दाम में भी आपको ज्यादा फीचर्स वाले अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे। यहाँ आपको 10,000 रुपए तक के स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी फोन खरीद सकते हैं। पहला है Xiaomi Redmi 9 Prime। इसकी कीमत 9,999 रुपए से शुरू होती है। इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिया गया है और रियर में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। बता दें कि इसका प्राइम कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और सेल्फी के लिए इसका फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसकी स्क्रीन 6.53 इंच है और बैटरी 5020 mAh है। दूसरा है Realme Narzo 30A। इसे Realme Narzo 20A के नेक्स्ट वर्जन के तौर पर MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया था। इसमें 6.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन दी गई है। इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और सेल्फी के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और बैटरी 6000 mAh है। इसकी कीमत सिर्फ 8,999 रुपए से शुरू होती है। तीसरा है Xiaomi Poco C3। 8,190 रुपए से शुरू होने वाले इस फोन में MediaTek Helio G35 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी स्क्रीन 6.53 इंच है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है। चौथा है Samsung Galaxy M11। इसमें Snapdragon 450 प्रोसेसर दिया गया है और इसकी स्क्रीन 6.4 इंच है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल है और सेल्फी के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और 5000 mAh की बैटरी है। इसकी कीमत सिर्फ 9,999 रुपये है। पांचवा है Xiaomi Redmi 9। इसे MediaTek Helio G35 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी स्क्रीन 6.53 इंच है। इसमें डुअल कैमरा सेटअप है, जिसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी दिया गया है। इसलिए सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। बता दें कि इसकी कीमत 8,999 रुपए से शुरू होती है। जरूरी नहीं कि आपको अच्छे फीचर्स वाले फोन के लिए ज्यादा कीमत ही चुकानी पड़े। आप कम कीमत में भी बेहतरीन स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, जिससे आपकी जेब और आपकी ख्वाहिशों में बैलेंस बना रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।